आज हम बनाने जा रहे हैं मिर्ची के भजिए, जिसके लिए हमें चाहिए मिर्चियाँ। और हम मिर्चियों को इस तरीके से बीच में से चीर लेंगे, और हमें पूरा नहीं चीरना है। ये देखिए, नीचे से थोड़ा बाकी रहने देना है, जिससे कि हमारी ये जो मिर्ची है ये पूरी फटे ना। और फिर आप चाहें तो इसके बीज रहने भी दे सकते हैं या फिर निकाल भी सकते हैं। मैं यहाँ पर इसके बीजों को निकाल रही हूँ। और हम इसके बीच में इमली की चटनी फिल करेंगे। ये देखिए नाजरीन, इस तरीके से हम इसे इसके बीज को निकाल देंगे, और अब हम इमली की चटनी से इस मिर्ची को फिल करेंगे। इंशाल्लाह मैं अपनी वीडियो में आपको इमली की चटनी किस तरह से बनाते हैं ये मैं जल्द ही बताऊंगी। ये देखिए, इस तरीके से हम इसे फिल करेंगे इमली की चटनी से, और इसी तरह से हम दूसरी भी फिल करेंगे, और सारी मिर्चियों को हम इसी तरह से फिल करके रेडी कर लेंगे। ये देखिए, हमने सारी मिर्चियों को फिल करके रेडी कर लिया है। अब मैं आपको इसके लिए किस तरीके से हमें बेसन भिगाना है वो बताती हूँ। हमने यहाँ बेसन भिगा चुका है। मैंने इसमें क्या क्या यूज़ किया है ये आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मैंने बेसन लिया है, ये इस चमचे से 10 चमचे बेसन लिया है, तकरीबन 1/4 किलो बेसन है ये। और इसे हमने पहले थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह से भिगोना है, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। फिर इसके बाद, और आप याद रखिए कि हमें इस तरह, हम कोई भी पकोड़े बनाते हैं, कोई भी भजिए बनाते हैं, चाहे वो मिर्ची का हो या आलू का हो या बैंगन के हो, तो हमें उसके लिए बेसन को इस तरीके से थोड़ा गाढ़ा भिगाना पड़ता है, पतला नहीं भिगाना पड़ता, नहीं तो हमारे जो भजिए हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। और मैंने इसमें 2 टीस्पून अजवाइन डाली है, और तकरीबन 2 चुटकी सोडा डाला है, और खाने का सोडा, और अपने टेस्ट के मुताबिक, आप अपने जायके के मुताबिक इसमें नमक ऐड कीजिए। और फिर इसे अच्छी तरह से लम्स फ्री करके इसका अच्छा सा बैटर बना लीजिए। देखिए इस तरीके से, और इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से होना चाहिए। और आप इसे भजिए बनाने के तकरीबन 1/2 आवर्स पहले भिगा कर रखें, जिससे कि हमारे जो भजिए होते हैं वो बहुत ही अच्छे बनते हैं। और इसमें 1/2 चमचा हल्दी है, और 2 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मिर्ची को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हम मिर्ची के भजियों को फ्राई करेंगे। उसके लिए हमने कढ़ाई ली है, और उसमें तेल को हाई फ्लेम पर अच्छा गरम कर लिया है। और उसके बाद जब आप इसमें मिर्ची डालेंगे बेसन में भिगोकर, तो आप गैस के फ्लेम को थोड़ा कम कर दीजिए, और इस तरीके से आप, ये देखिए, इस तरीके से आप मिर्ची को आपके बेसन के बैटर में इस तरीके से डीप करिए, और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से मिर्ची जो है बेसन में डीप हो रही है। और फिर आप इसे फ्राई कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों, हम अपनी ये जो मिर्ची के भजिए हैं, इन्हें हम कच्चा पक्का ही निकालेंगे, क्योंकि हम इसे दोबारा बेसन में कोट करके फिर फ्राई करेंगे। इससे जो हमारी मिर्ची के भजिए हैं उसमें बेसन अच्छी तरह से लगेगा, और भजियों में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो आप इसे वापस आपके बैटर में डाल लीजिए। और फिर से इसमें बेसन लपेट कर इसे दोबारा फ्राई कीजिए।
और दोबारा फ्राई करने के लिए आप इसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कीजिए और फिर इसके बाद सर्व कीजिए। ये देखिए दोस्तों, अब हम सेकेंड कोटिंग करके इसको फिर से फ्राई कर रहे हैं। ये देखिए नाज़रीन, ये मिर्ची के भजिए हमारे बनकर तैयार हैं। इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई करना है और फिर एक एक करके इसे निकाल लेना है। ये देखिए नाज़रीन, बनकर तैयार है मिर्ची के भजिए और हमने इसे इमली की चटनी के साथ सर्व किया है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आसान वीडियोस आप तक जल्द अज जल्द पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।